हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रज्वल पाठक और आप इस समय मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने सिस्टम पे एनाकोंडा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली पाइथन में डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन में कई सारे अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेन है, मैं उनके बारे में बात करूँगा। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है टेक्स्ट एडिटर्स। टेक्स्ट एडिटर जैसे हम सबलाइम टेक्स्ट का अभी यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट टाइप का एनवायरनमेंट है। बेसिकली ये छोटे छोटे कोड्स को लिखने के लिए काम आता है। देन दूसरा टाइप का एनवायरनमेंट है नोटबुक एनवायरनमेंट्स। ओके, बेसिकली ये किसी चीज़ को सीखने के लिए काम आता है पाइथन में। ओके, सपोज आप कोई नई लाइब्रेरी सीखना चाहते हैं तो क्विकली इस नोटबुक एनवायरनमेंट्स में सीख सकते हैं। ओके, देन फाइनली थर्ड है IDEs। IDE इज मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स। इनको बड़े कोड्स लिखने के लिए या सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो अभी मैं इनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट टाइप का इन्वायरमेंट वो है टेक्स्ट एडिटर्स। ओके, टेक्स्ट एडिटर्स बेसिकली ये किसी भी टाइप का, इसमें कोई भी फाइल के लिए हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं सिंपली। एक टेक्स्ट एडिटर अभी तक हम लोग अपने मैं अपने चैनल पर यूज़ करता आ रहा हूँ, जो है वो है खुद सबलाइम टेक्स्ट 3। ओके, बेसिकली हमने देखा था यहाँ सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में अपना कोड लिखते जा रहे थे एंड रन कर रहे थे। ओके, तो बेसिकली ये सिर्फ जो सबलाइम टेक्स्ट 3 है, ये पाइथन को ही सपोर्ट नहीं करता, मेनली पाइथन के लिए नहीं बना है, ये कई सारे फाइल्स को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आप यहाँ देखिए टूल्स में आए एंड ठीक एंड देन बिल्ड विद है सॉरी उप्स टूल्स में आए ठीक एंड बिल्ड सिस्टम में आए तो आप देखिए यहाँ पर ये कई सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। देखिए एक्शन स्क्रिप्ट एंड सी सी प्लस प्लस कार्गो डी अरलैंग हास्केल जावा सी लुआ मेक पाइथन ओके रश रूबी सेल स्क्रिप्ट ओके तो आप देखेंगे कि ये कई सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मेनली ये पाइथन के लिए नहीं बना है, कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकता है। ओके, तो ये कई सारे फाइल्स के लिए काम आ सकता है। ओके, देन हमने देखा था कि पाइथन जब हम लोग सबलाइम टेक्स्ट 3 का सेटअप कर रहे थे अपने पाई बेसिक सीरीज में, तो हमने देखा था कि हम इनिशियली इसमें पाइथन के कोड्स को रन नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो हमें अलग से प्लगइन्स को या एडवांस को डाउनलोड करके इसको सेटअप करना पड़ा था सबलाइम टेक्स्ट 3 को। जैसा आपने देखा होगा अगर मेरा पाई बेसिक सीरीज में 10th और 11th वीडियो आई थिंक, उसमें हमने देखा था कि हम सबलाइम टेक्स्ट 3 में पाइथन REPL कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, देन एनाकोंडा का प्लगइन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो देन उसके बाद हम अपना कोड इसमें लिखना चालू किए थे। ओके, तो इसमें दिक्कत बेसिकली ये आती है कि ये मेनली पाइथन के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो हमें अलग से प्लगइन्स और एडऑन्स इंस्टॉल करके अपने प्रोग्राम्स को रन करना होता है। ओके, तो जो मोस्ट फेमस हैं टेक्स्ट एडिटर्स वो हैं सबलाइम टेक्स्ट 3, जो कि अभी तक मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, और एटम टेक्स्ट एडिटर। ओके, ये भी सबलाइम टेक्स्ट 3 की तरह एक टेक्स्ट एडिटर है, ये भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, बट हमने जो अपने चैनल पे सबलाइम टेक्स्ट 3 को मेनली पाइथन के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम का एनवायरनमेंट है टेक्स्ट एडिटर्स, बेसिकली इसमें हम अपना कोड लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, देन जो सेकेंड टाइप का एनवायरनमेंट है वो है नोटबुक्स एनवायरनमेंट। ये इस समय काफ़ी फेमस टाइप का एनवायरनमेंट है। बेसिकली अगर आपको कुछ भी लर्न करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नोटबुक एनवायरनमेंट जनरली पाइथन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये बेसिकली कुछ भी सीखने के लिए बहुत इजी है, यहाँ पढ़ते हैं। इजी क्यों, अच्छा क्यों, फेमस क्यों है? बेसिकली यहाँ पर ऐसा है कि आप अपना कोड लिख सकते हैं एंड उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने 3-4 लाइन का कोड लिखा एंड उसको रन करते हैं तो जस्ट कोड के सामने ही आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो इनपुट और आउटपुट एक साथ ही एक ही समय पर हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। अदरवाइज़ अगर हम जैसे कि हमने IDE जब शुरुआत में देखा था तो उसमें हमने देखा था हमें कोड लिखना पड़ा था एंड देन जब हम रन करते थे तो एक अलग स्क्रीन आती थी उस पर इंटरप्रेटर की, उस पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता था। बट नोटबुक्स में ये फ़ायदा होता है कि तुरंत हमारे पास आउटपुट मिल जाता है। ओके, फिर इनके फेमस होने के और कारण है कि ये मार्कडाउन नोट्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम अपने कुछ नोट्स लिख सकते हैं कमेंट करके या मार्कडाउन करके। ओके, देन इसमें हम तुरंत विजुलाइजेशंस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स आप बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब के। ओके, इसमें आप वीडियोज़ भी ये सपोर्ट करता है, तो आप इसमें वीडियोज़ भी एम्बेड कर सकते हैं, कई सारी तरह अलग अलग चीज़ों को ये सपोर्ट करता है नोटबुक एनवायरनमेंट। ओके, तो इसलिए काफ़ी फेमस है ये। देन जो मेन बात है इसकी, इसमें देखिए फाइल फॉर्मेट जो होता है वो .py नहीं होता, होता है ये पाइथन के लिए, बट इसमें जब हम सेव करते हैं तो .py से नहीं करते, इसकी जो फाइल फॉर्मेट होती है वो .ipynb से होती है। ओके,
IPY मतलब आई पाइथन। अभी तक जो हम लोग पाइथन को यूज़ करते आ रहे हैं वो सी पाइथन, जो कि सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। ओके, तो ये जो नोटबुक इन्वायरमेंट जो बेस्ड होते हैं ये आई पाइथन पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो सी पाइथन और आई पाइथन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिकली ये सिर्फ इंटरप्रेटर पे डिपेंडेंट है एंड सिंटेक्स में कोई डिफरेंस नहीं। ओके, जो कोड आप सी पाइथन में लिख रहे हैं वो सेम कोड आई पाइथन में भी होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ओके, ये था जो मोस्ट फेमस इस समय जो नोटबुक है वो है जुपिटर नोटबुक। ओके, एक और है कैगल नोटबुक्स, बस बट उसका यूजर्स बहुत कम है। जुपिटर नोटबुक्स इस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बेसिकली इसके रीजन सही है कि इसमें हम मार्कडाउन लिख सकते हैं, कोड एक के जैसे कोड लिखे आप उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आमने सामने रिजल्ट आ जाते हैं, विजुअलाइजेशन से ही सपोर्ट करता है, वीडियोज़ को भी सपोर्ट करता है। ओके, तो इसमें बेसिकली हम काफ़ी अच्छे तरीके से कोई सीख सकते हैं। बेसिकली इसमें अगर आपको कोई लाइब्रेरी सीखनी है तो इंस्टेड ऑफ उसका हमें कोई पिप्स इंस्टॉल करने के बजाय ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है। ओके, तो हम सीख सकते हैं इजीली। ओके, एंड देन एक बात और ध्यान रखिए कि जो नोटबुक्स होते हैं ये बेसिकली क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं या कोई भी ब्राउज़र में चलेंगे। मेरा डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो क्रोम है, तो यहाँ पर जो भी मैं जुपिटर नोटबुक को जब भी ओपन करूँगा तो ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन होगा। ओके, तो ध्यान रखिए नोटबुक हमेशा जो भी होता है जुपिटर का नोटबुक ये हमेशा ब्राउज़र्स में ओपन होता है। ओके, देन जो थर्ड टाइप का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, बेसिकली ये बड़े कोड्स या सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए काम आता है एंड ये जनरली पाइथन के लिए डिज़ाइन होते हैं, या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अलग अलग IDE होता है। पाइथन का भी अपना अलग IDE है, कई सारे हो सकते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर्स इनमें हम बड़े प्रोग्राम्स या पूरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। ओके, इसमें एक दिक्कत ये आती है कि ये बेसिकली दो एडिशंस में आते हैं, एक तो प्रो एडिशन होता है, दूसरा कम्युनिटी एडिशन होता है। प्रो एडिशन जो होता है वो फ्री नहीं होता, वो पेड होता है, बट कम्युनिटी एडिशन जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो कम्युनिटी एडिशन भी अगर आप बिगनर हैं तो आपका काम चल जाएगा, इसमें भी आप अपने कोड्स को सेम जो इसमें लिखेंगे नोटबुक या जो टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं सेम कोड इसमें भी लिखते हैं, बट ये लार्ज कोड्स को सपोर्ट कर लेता है। ओके, इजिली। ओके, एंड इसमें फ़ायदा ये होता है कि हम कोड के साथ ही अपना वेब से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं, विजुलाइजेशन से भी रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ एक ही बार में सपोर्ट कर लेता है, हमें उस अलग अलग चीज़ें या प्लगइन्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, बट इसमें ध्यान रखिए कि जो कम्युनिटी एडिशन होते हैं वही फ्री होते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम्युनिटी एडिशन को बिना कोई से हिचकिच के यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें कई सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑटो कम्प्लीट होता है, कहीं एरर्स आती है तो कई बार ये खुद ही सही कर देता है, प्लगइन्स को सपोर्ट करता है, कई सारी लाइब्रेरीज को भी ये सपोर्ट करता है। ओके, एंड जो मोस्ट फेमस IDE इस समय पे है वो है पाईचार्म है। ठीक, पाईचार्म जेट ब्रेन्स द्वारा बनाई गई एक IDE है जो पाइथन के लिए काफ़ी फेमस IDE है, इस समय मोस्ट फेमस कह सकते हैं आप इसे। देन VS कोड एंड स्पाइडर IDE। ओके, इस सीरीज में बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जुपिटर नोटबुक्स ओके एंड स्पाइडर IDE। तो आपने देखा कि टेक्स्ट एडिटर हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, नोटबुक्स का जुपिटर नोटबुक हम लोग इस सीरीज़ में, और IDEs में स्पाइडर IDE इसी सीरीज़ में हम लोग लर्न करेंगे सीखेंगे। ओके, जब भी आप एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपने देखा था लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जुपिटर नोटबुक्स एंड स्पाइडर IDE उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल थे। ओके, तो हमें इन्हें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल है तो इसमें पहले से ही इंस्टॉल होंगे। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।